नमस्कार, मैं पवन राठौर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज हम जेई मेंस 2020 8 जनवरी मॉर्निंग सेशन के केमिस्ट्री पेपर के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर का डिस्कशन करेंगे। ये फिजिकल का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली आर। ये सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, 13 और 14। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका कॉन्फिग्रेशन आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। फॉर मैग्नीशियम इट इज 3s2, फॉर एल्यूमिनियम 3s2, 3p1 एंड फॉर सिलिकॉन 3s2 एंड 3p2। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में कंप्लीटली फिल्ड एस सब शेल है और एस की पेनिट्रेशन पावर पी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की होगी, सोडियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की और मैग्नीशियम से ज़्यादा सिलिकॉन की होगी, मैग्नीशियम से ज़्यादा सिलिकॉन की इसलिए। और ऑर्डर पूछा गया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, मतलब मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से भी ज़्यादा है और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड। सेकंड में सोडियम की 496, मैग्नीशियम की 737, एल्यूमिनियम की 577 और सिलिकॉन की 786। ये सोडियम के लिए, ये मैग्नीशियम के लिए, ये एल्यूमिनियम के लिए और ये सिलिकॉन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ अ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर टी अकर्स 10^6 टाइम्स फास्टर विद एंजाइम देन विदाउट, द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम इज। अरहेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ये मान लेते हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है और जो कैटलाइज रिएक्शन होगा, लेट से कैटलाइज्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन अपॉन आर टी। नाउ एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन 10^6 टाइम्स फास्टर है, इट मींस वैल्यू ऑफ के सी इज इक्वल्स टू 10^6 टाइम्स ऑफ के। वैल्यू ऑफ के सी इज 10^6 टाइम्स ऑफ के, सो वी कैन राइट 10^6 टाइम्स ऑफ के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए फॉर कैटलाइज रिएक्शन अपॉन आर टी। 10^6 इंटू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए फॉर कैटलाइज रिएक्शन ओवर आर टी। नाउ ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ln 10^6
minus EA over RT is equals to minus EA for catalyzed reaction over RT. Then EA for catalyzed reaction upon RT minus EA upon RT is equals to minus ln 10 to the power 6. So, EA for catalyzed reaction minus EA is equals to minus 2.303 log 10 to the power 6 into RT equals to minus 2.303 into 6 RT. So, minus 2.303 into 6 into RT. So, the correct answer is 3. Here, uncatalyzed reaction K equals to A into e to the power minus A over RT. E catalyzed reaction. Catalyzed reaction ka rate constant uncatalyzed se zyada hoga. Kc ki value 10 to the power 6 times of K. Ye question mein given hai. So, 10 to the power 6 times of K is equals to A into e to the power minus E over RT. 10 to the power 6 into K, we can put this value of K here. 10 to the power 6 into A into e to the power minus E over RT equals to A into e to the power minus catalyzed reaction, activation energy for catalyzed reaction divided by RT. Dono taraf log le liya. Log 10 to the power 6 minus E over RT equals to minus E over RT. Then A for catalyzed reaction upon RT minus EA upon RT is equals to minus log of 10 to the power 6. Then EA for catalyzed minus EA for uncatalyzed equals to minus 2.303 log 10 to the power 6 RT. So, it is minus 2.303 and the required is the change in activation energy upon ending enzyme is. So, correct answer is third. Question number 7. A flask contains a mixture of isohexane and 3-methyl pentane. One of the liquid boils at 63 degrees Celsius, while the other boils at 60 degrees Celsius. What is the best way to separate two liquids and which one will be distilled out first? Dono compound ka boiling point alag alag hai, 63 degrees Celsius or 60 degrees Celsius. Jiska boiling point kam hota hai, wo pehle vaporize ho jayega. Boiling point different hone par, fractional distillation acha method hota hai. Or which one will be distilled out? Isohexane ka boiling point 3-methyl pentane ke comparison mein kam hoga. So, isohexane will be distilled first. So, the correct answer will be fractional distillation and isohexane will be distilled out first. So, the correct answer is 4. Question number 10. The stoichiometry and solubility product of a salt with solubility curve given below is respectively. Curve se ye andaza lagaya ja sakta hai ki jo ratio hai वो 1:2 का आएगा. तो अगर x y 2 जब ब्रेक होगा तो उसके ब्रेक होने से x पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ y नेगेटिव. नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ksp इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ y negative to the power 2 is equals to x is 1 into 10 to the power minus 3 given in the question to the power 1 into y concentration 2 into 10 to the power minus 3 to the power 2. So, answer will be 4 into 10 to the power minus 9
mole per liter cube. So, answer will be XY2 and correct answer is 410⁻⁹ meter cube, mole per meter cube. The correct answer is 3 XY2 4 × 10⁻⁹ mole per liter to the power 3. Question number 13. As per Hardy-Schulze rule formulation, the flocculation value of the following ferric hydroxide salt Rn. Flocculation value or coagulating power, dono inversely proportional hote hain. Ferric hydroxide salt positively charged hai. Ferric hydroxide salt positively charged hai. Iska coagulation karne ke liye negative ion ki requirement hogi. Negative ion mein negative charge jitna zyada hoga, uski coagulating value utni zyada hogi. Coagulating value agar zyada hui, to flocculation value decrease ho jayegi. To agar coagulating power ki baat karein, to Fe Cn whole 6 minus 3 has maximum charge, so maximum coagulating power or minimum flocculation value. Minimum flocculation value. Iske baad CrO4 minus 2. इसके बाद ब्रोमाइड चार्ज इज माइनस 1, नाइट्रेट माइनस 1 एंड क्लोराइड माइनस 1. तो इनकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू इक्वल आ जाएगी. जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा है उसकी कोएगुलेटिंग पावर मैक्सिमम होगी और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू मिनिमम आएगी. तो इस तरह से करेक्ट आंसर शुड बी 3. Question number 14. The Mamer series in the spectrum of hydrogen atom is R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. The correct statement among 1, 2, 4 are, as wavelength decreases, the line in the series converges. Wavelength kam hone ka matlab hai, energy increase hogi. To wavelength agar decrease hoti hai, to series mein line converges hoti jayengi. The integer N1 is equal to 2. Balmer series ke liye electron kisi bhi higher energy level se second level mein wapas aata hai, to N1 ki value 2 aa jayegi. So, for Balmer series, for Balmer series, 1 upon lambda is equals to Rydberg constant into 1 upon 2 square minus 1 upon N2 square. This N2 can be anything more than 2. N2 can be equals to 3, 4 or 5. Third statement, lines of longest wavelength correspond to N2 equals to 3. Longest wavelength means minimum energy. For minimum energy, transition will take place from 3 to 2. For lambda, longest value of wavelength equals to R into 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. Longest wavelength means minimum energy. And for Balmer series, minimum energy will be obtained when electron jumps from third level to second level. Ionization energy of hydrogen can be calculated from wave number of these lines. Hydrogen ki ionization energy, jab electron first orbit se bahar nikala jata hai, tab jo energy required hoti hai, wo ionization energy hai. To in wave number se ionization energy calculate nahi ho sakti. So answer will be first statement, second statement and third statement are correct. So, answer should be first 1, 2 and 3. Question number 17. The graph of vapor pressure and temperature for 3 different liquids X, Y and Z is shown below. Now, temperature ke saath X ka vapor pressure sabse zyada hai. So,
एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, अगर एक्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो हायर मॉलिकुलर इंटरेक्शन नहीं हो सकते. वेपर प्रेशर का जो ऑर्डर है वो मीन्स ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्स इज मोर देन वाई इज मोर देन जेड. ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर एक्स मोर देन वाई इज मोर देन जेड. सो ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, ऑर्डर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इज जेड मोर देन वाई मोर देन एक्स. सो फर्स्ट ऑप्शन एक्स हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये गलत हो जाएगा. एक्स हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, ये सही है. जेड हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, ये भी गलत है. तो केवल बी स्टेटमेंट सही है. सो करेक्ट आंसर शुड बी 4. क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस एनोवस सॉल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग. कंसीडर दैट एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर इज यूज्ड. Aqueous NaOH in pipette and aqueous oxalic acid in burette, NaOH in burette and H2SO4 in a conical flask, NaOH in burette and aqueous oxalic acid in conical flask. NaOH kya strength calculate karne ke liye better titration ye hogi, जिसमें NaOH ब्यूरेट में और एक्वस ऑक्सैलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा. सो करेक्ट आंसर शुड बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ABC शोन इन द फिगर. ये वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है. तो जो वर्क डन होता है वो एरिया कवर्ड बाय PV ग्राफ के इक्वल है. सो वर्क डन is equals to area covered by this graph. So work done will be equals to ये distance 8 - 2 6 के equal है और ये distance 8 - 2 6 के equal है. So 6 multiplied by 6 plus area of this part is 1/2 into 6 into 12 - 8 4 equals to 36 plus 12 equals to 48. Pressure is taken in terms of Pascal and volume in meter cube. So answer will be in joules. So answer is 48 joule. Question number 22, the volume of 0.125 mg NO3 required to quantitatively precipitate chloride ion in 0.3 gram of hexamine cobalt chloride is, jab ye complex CO NH3 6 Cl3 break hoga, iske break hone se banega CO NH3 whole 6 tri positive ion plus 3 moles of chloride ion. So moles of AgNO3 equals to moles of chloride ion, and moles of chloride ion equals to mass of the complex divided by molecular mass of complex. Molecular mass of complex is 267.46.
इसे सॉल्व करने पर मिलता है, इसे सॉल्व करने पर आता है 3.365 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आ गए। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ AgNO3, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 मोल्स इक्वल्स टू होते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी, सो इट इज 3.365 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय मोलारिटी 0.125। This answer will be in liter. To calculate volume in milliliter, it should be multiplied by 10 to the power 3. Then answer will be 26.92 ml. Question number 24. Ferrous sulfate heptahydrate is used to fortify foods with iron. The amount of salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is, if ferrous sulfate heptahydrate FeSO4 dot 7H2O, its molecular mass, gram molecular mass of this compound is 55.85 plus 32 plus 64 plus 7 into 18. Solve karne par 277.85. अगर इस कंपाउंड का मास x ग्राम लेते हैं तो उसमें मास ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू x इनटू 55.85 डिवाइडेड बाय 277.85 के इक्वल आ जाएगा, और हमें कंसंट्रेशन चाहिए 10 ppm, सो कंसंट्रेशन इन ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयरन दैट इज x इनटू 55.85 अपॉन 277.85 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वीट इज गिवन एज 100 किलोग्राम, टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, एंड आंसर इज इन ppm, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल्स टू 4.97. Question number 25. What would be electrode potential for the given half cell reaction at pH equals to 5? 2H2O gives O2 plus 4H positive plus 4 electron. Reduction potential is given as 1.23 and pH is 5. pH is equals to 5. It means H plus concentration is equals to 10 to the power minus 5 mole per liter. So,
electrode potential, or you can say reduction potential, is equals to standard value of reduction potential plus 0.059 upon n log 1 upon H positive to the power 4 equals to 1.23, it is given in the question, plus 0.059 upon n is 4 log 1 upon hydrogen ion concentration is 10 to the power minus 5, so 10 to the power minus 5 to the power 4. On solving, E is equal to 1.525 volt. मैं राजीव कुमार, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर, 2020 जेई मेन में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैं इसमें केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा। वेरी फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 8 जनवरी 2020 के मॉर्निंग सेशन में हुए क्वेश्चन का। इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट का सॉल्यूशन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक से, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्सी डाइसल्फेट एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम इन रोम्बिक सल्फर। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। आप स्ट्रक्चर इन दोनों ही मॉलिक्यूल का आयन का बनाए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो पूछ रहा है वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। वेरी फर्स्ट पेरोक्सी डाइसल्फेट अपने को काउंट करना है। यहां सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड आप काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां 8 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है। नेक्स्ट है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर में S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। रोम्बिक सल्फर का ये क्रॉन शेप S8 मॉलिक्यूल है। इसमें आप काउंट करें SS बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें भी SS बॉन्ड 8 है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 and 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली आर। ये पीरियोडिक टेबल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पहले अरेंज कर लें, फिर दिए गए ऑप्शन में सुटेबल डेटा सेलेक्ट कर लें। सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप जानते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, बट ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये नेट ऑर्डर है। तो लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की हो जाएगी। तो लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये जो डेटा दे रखा है इसमें लिस्ट वैल्यू है 496 किलो जूल पर मोल, तो सोडियम का 496। इसके बाद सेकेंड लिस्ट वैल्यू है 577, ये एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा। थर्ड हाइयर वैल्यू है 737, ये मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। फोर्थ वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है 786, सिलिकॉन की हो जाएगी। तो आप ये देखें 496, 577, 737 एंड 786, ये थर्ड ऑप्शन में है। ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, बट अकॉर्डिंगली आपको पूछना है, पूछ रहा है यहाँ कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। पूछ रहा है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो सोडियम का आपने देखा 496, मैग्नीशियम का 737, एल्यूमिनियम का 577 और सिलिकॉन का 786।
496, फिर 737, 496, 737, 577, 786, ये सेकेंड ऑप्शन में है, हेंस राइट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट ए लिक्विड आर. इथाइल एसीटेट ये एक एस्टर है, इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड्स भी है, नॉन पोलर बॉन्ड्स भी है. मॉलिक्यूल एज ए होल पोलर है बट पोलरिटी कम है. अपने को ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. तो सबसे पहले तो बता दूं ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, और केमिकल बॉन्डिंग में टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से है. वेरी फर्स्ट ऑप्शन देखें, लंदन डिस्पर्शन फोर्स. बिल्कुल लंदन डिस्पर्शन फोर्स सारे ही मॉलिक्यूल्स में लगते हैं. डायपोल डायपोल फोर्स, बिल्कुल इसमें डायपोल डायपोल फोर्स भी है, चूंकि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से ये पोलर है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है, तो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स एंड डायपोल डायपोल फोर्स होगा. लंदन डिस्पर्शन फोर्स एंड डायपोल डायपोल फोर्स ये ऑप्शन थर्ड में है, हेंस इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फोर कोबाल्ट मैग्नीज आयरन एंड निकल. ये चार ऑप्शन है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इसको आप पीरियोडिक टेबल में भी रख सकते हैं या डी ब्लॉक में भी रख सकते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, दोनों ही चैप्टर में आप प्लेस कर सकते हो क्वेश्चन को. ये थ्री डी सीरीज के चारों ही एलिमेंट्स हैं, इनमें वेरी फर्स्ट मैग्नीज लेफ्ट साइड, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकेल. लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पे पूछ रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, दो इलेक्ट्रॉन 4s में है ये निकल चुके हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन से निकलना है. आयरन में तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन से निकलना है. कोबाल्ट में तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d7 कॉन्फ़िगरेशन से निकलना है. निकल में तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d8 कॉन्फ़िगरेशन से निकलना है. लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन यहां मैग्नीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये मैग्नीज की आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड डी सबसेल की वजह से आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. ठीक है, तो इसमें आयरन का लिस्ट हो जाएगा, मैग्नीज आयरन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है, क्योंकि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट है. तो राइट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द गैसेस ए टू ई, द गैसेस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट रखने वाले गैसेस को पूछ रहा है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए CO2, बिल्कुल ये ग्रीन हाउस गैस है. H2O ग्रीन हाउस इफेक्ट रखता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट है. ऑक्सीजन गैस में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता. ओजोन ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है. हेंस राइट आंसर्स आर ए बी सी एंड ई. ऑप्शन फर्स्ट में है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन सो फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स आर. फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है. फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स शो करने के लिए मॉलिक्यूल MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, सो फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स. तो MA3B3 आप देखें, वेरी फर्स्ट ऑप्शन है MA2B2, इसलिए ये आंसर नहीं है. सेकेंड ऑप्शन देखें, MA3B3 है, तो सेकेंड ऑप्शन
is the answer. Next question. When gypsum is heated to 393 Kelvin, it forms. Ab gypsum is calcium sulfate dihydrate. 120 degree Celsius या 393 लिख दें, केल्विन पे हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है CaSO4.5H2O, डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होकर के ये प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है CaSO4.5H2O, इट इज प्लास्टर ऑफ Paris. Hence, right answer is fourth. Next question is, volume of 0.125 mAgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ions in 0.3 gram of this complex CONH3O6Cl3 is. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. कॉम्प्लेक्स में जो आयोनाइजेबल क्लोरीन है वो प्रेसिपिटेट होगा AgNO3 के द्वारा. कॉम्प्लेक्स CONH3O6Cl3 प्लस 3 AgNO3 It gives 3 AgCl PPT. जैसा आप देख रहे हो एक मोल कॉम्प्लेक्स से सारे आयोनाइजेबल क्लोरीन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए 3 मोल AgNO3 की जरूरत है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 is equal to number of moles of complex. अब AgNO3 का मोल कैलकुलेट करने के लिए चूंकि मोलरिटी दे रखा है इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलरिटी. और नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए चूंकि वेट दे रखा है इसलिए यहां फार्मूला लगाएंगे वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज 0.3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स दे रखा है 267.46. अपने को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 267.46 इनटू मोलरिटी. मोलरिटी AgNO3 का दे रखा है 0.125. ये वॉल्यूम लीटर में आएगा लेकिन यहां क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम इन मिलीलीटर पूछ रहा है तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 26.9. हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर जे आर करोसरा, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी CLC. आज अपन जेई मैन 2020 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ऑर्गेनिक का पेपर डिस्कस करेंगे. यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ. इसका अर्थ कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है इन कंपाउंड की उसकी ऑर्डर को बताना है. सबसे पहले जिसे दिया गया है यहाँ पर मिथेनॉल ये कंपाउंड, उसके बाद फिनोल, पैरामिथॉक्सीफिनोल और फिनोल.
ये थ्री कंपाउंड दिए गए, इनके अंदर यहां पर ये जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है इसकी बतानी, तो यहां पर इनके अंदर रेजोनेंस नहीं है, यहां पर ड्यू टू रेजोनेंस यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और यहां पर भी रेजोनेंस है लेकिन यहां पर इसके प्लस आर के कारण इसके रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी इसके कंपेरेटिव कुछ कम हो जाएगी, इसलिए यहां डबल बॉन्ड करेक्टर इसके कंपेरेटिव कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो मिथेनॉल में होगी, यहां रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो OH ग्रुप के बीच में रहेगी मिथेनॉल रहेगी, और डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा यहां ड्यू टू रेजोनेंस आने के कारण तो इसके कार्बन और OH की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी, इसलिए जो करेक्ट यहां पे COH की बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो ये रहेगा। इसका अर्थ है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है मिथेनॉल, पैरामिथॉक्सी, फिनोल एंड फिनोल, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए आपको यहां पे ट्रू स्टेटमेंट लेना है। फर्स्ट है पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट टेक, जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन ले यहां पे, ये एक ग्लूकोज की अपने यहां पे स्ट्रक्चर बनाइए, ये डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाइए, डी ग्लूकोज। तो फर्स्ट स्टेप, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट हाइड्रोक्सिलेमीन, तो पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज, इसका अर्थ है डी ग्लूकोज की ये जो अभी स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर है, और यदि अपने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो यहां पर ये OH और ये एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में इंट्रैक्शन होने से यहां पे जैसे ये आ गया OH और ये CH, एक साथ लिख देता हूं मैं 3 एंड CH, ये स्ट्रक्चर जैसे अपने लिए यहां पर, तो इसके अंदर OH ग्रुप जैसे कि राइट साइड में है तो अल्फा और OH लेफ्ट साइड में होकर बीटा, तो इसका अर्थ है ये पहला लिखा एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा बीटा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा लिया ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, तो ये ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहां पर रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाएगा, ठीक है ये भी स्टेटमेंट। ग्लूकोज गिव सिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, ये टोलन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन मेंड्रिक सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन सिर्फ रिएजेंट के साथ जो है ये ग्लूकोज जो है ये टेस्ट नहीं देगा, तो ये कह रहा है ग्लूकोज गिव्स सिव टेस्ट विथ एल्डिहाइड, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, और पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन, तो यहां पर जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनी है अब यहां पर एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन, तो यहां सभी OH ग्रुप के साथ ये एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड रिएक्ट करके पेंटा एसिटेट ग्लूकोज बनेगा जो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, तो यहां पर ये OH ग्रुप का एसाइलेशन होने के कारण फिर ये हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइम नहीं बनाएगा, इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही है, और अपन को बताना है नॉट ट्रू, इसका अर्थ है गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बनाना है, तो इसमें गलत स्टेटमेंट जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सेकंड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हुआ वो सेकंड आंसर हो गया। यस, नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड डिहाइड्रोजिनेशन इवन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड के आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देखना है, तो यदि अपन यहां पर रेट ऑफ E1 की बात करें
क्योंकि यहां पर दे रखा है इवन मैकेनिज्म से टी हाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, तो रेट ऑफ इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन लेंगे यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर तो ए बी सी डी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे अपन यहां पर फर्स्ट जैसे ये एग्जांपल लिया अपने ने, ये डी ले लिया, उसके बाद जैसे ये यहां पर ये सी एल आ गया डी, और बी जो दिया गया है वो ये हैलाइड है, ये बी हैलाइड है, और इसी प्रकार से ये सी ले लूं, ये सी हैलाइड आ गया, और ये ए हैलाइड दिए गए, ये फॉर जैसे दिए गए। अब अपन यहां पर सबसे पहले इनमें से जो दिए गए हैं ये सो सी एल है, सी एल लिविंग ग्रुप इवन है, इसका अर्थ है इस लिविंग ग्रुप को हटाए अपने यहां पर, इस लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, और फिर डी हाइड्रोजनेशन से डी प्रोटोनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा इसका, जैसे इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो रहा वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये आ गया, और डी प्रोटोनेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इसका ये हो गया। सबसे पहले लिविंग ग्रुप हटने से इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना वो इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये आ गया, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये प्रोडक्ट आ गया। इसी प्रकार यहाँ से लिविंग ग्रुप हटाने के बाद इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये रह गया, और डी प्रोटोनेशन से जो एल्किन आ गई वो ये आ गई। यहाँ पर लिविंग ग्रुप कटने से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये आ गया, और डी प्रोटोनेशन रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, और वन टू हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये प्रोडक्ट। तो सबसे स्टेबल जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये दोनों स्टेबल प्रोडक्ट है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है प्रोडक्ट की। इन केस ऑफ सेम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देन रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो आपको पहले स्टेबिलिटी प्रोडक्ट देखी, दोनों की सेम आ गई, और इन दोनों की प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए इन दोनों हैलाइड के की तुलना में इन दोनों के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रेट ज्यादा है। अब इनके अंदर कार्बोकेटाइन की फिर स्टेबिलिटी देखेंगे, तो कार्बोकेटाइन के अंदर ये ज्यादा स्टेबल है, डी से जो बना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बी के कंपेरेटिव डी जो है हैलाइड उसके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रेट ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा जो हुई वो डी की हुई। उसके बाद ये आ गया बी। अब इन दोनों की प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सेम आ रही है फाइनल, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट नहीं, रेट डिटरमाइन स्टेप जो होता है वो ये रहेगा पहला। तो यहां पर पहले कार्बोकेटाइन ये बना 1 डिग्री, और इसका बना ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, 1 डिग्री के कंपेरेटिव 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके कंपेरेटिव जो है वो रेट इसकी ज्यादा होगी। इट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, फर्स्ट अपन इंटरमीडिएट सबसे पहले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और इन केस ऑफ सेम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देन रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हैलाइड डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो इसलिए सबसे ज्यादा है जो है वो होगी डी की, उसके बाद आ गया बी, तो इसका अर्थ है डी बी, और फिर आ गया सी, और फिर ए, then correct option will be fourth. Yes, next. The major product A and B in the following reaction. Reaction दी गई है जिसके अंदर in presence of peroxide, ये peroxide लिया गया है, heat करें तो जैसे इसमें peroxide माना कि ये ले लें और इसको हीट किया गया है
होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, देन फॉर्म आर ओ फ्री रेडिकल। ये आर ओ फ्री रेडिकल यहां से उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जहां से हटाने के बाद बना इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो। तो इस कारण से ये इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बना। आर ओ फ्री रेडिकल यहां से इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को ले लेगा, तो साथ में ये आर ओ एच। अब ये बना इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, ये आ गया ए, ये ए हो गया। अब इस ए की रिएक्शन जैसे आगे कंपाउंड के साथ दी गई है, यहां पे ये 1 pentene 5 कार्बन की का हाइड्रोकार्बन, इसके साथ रिएक्शन, तो ये बना इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इसके साथ जब रिएक्शन करेगा, इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल दोनों में से उस कार्बन पे अटैच होगा जहां अटैच होने पर बना इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल मोर, अगला नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा वो मोर स्टेबल हो। तो इस कारण से यहां जो प्रोडक्ट आ गया वो ये आ गया, ये सी एन, और ये यहां अटैच होने से 1 2 3 4 5 कार्बन की हो गया, 1 2 3 4 ये 5 कार्बन। तो यहां ये फ्री रेडिकल यहां अटैच होगा, तो बना इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जो है वो ये हो गया, इसका अर्थ है ये आ गया। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है वापस, जैसे कि जो आर ओ ने यहां से एच फ्री रेडिकल लिया था, तो यदि वापस ये यहां से बना इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट करके यहां से एच फ्री रेडिकल को ले ले, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया अपने पास वो ये आ गया सी एन, और ये 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन के ये हो गया। ठीक है, यहां पर ये जो फाइनल जो है प्रोडक्ट अपने पास ये आ गया, ये जो प्रोडक्ट बना है वो ये आ गया कंपाउंड बी। तो इसका अर्थ ये हुआ ए कंपाउंड ये हो गया और बी कंपाउंड जो ये आ गया, देन करेक्ट आंसर जो है वो ये अपने पास ये रह गया इसमें फर्स्ट। यस, नेक्स्ट, एमंग द गैस ए ई दैट कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसमें अपन को जैसे ए से ई तक ये दिए गए हैं, इनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कौन कौन सी गैसेज है जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट का मेन कॉज है, रीजन है, जिनके कारण CO2 मेन होती है, यहां पर बिल्कुल सही है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी मेन होती है इसमें एक अंदर, इसके अलावा ओजोन ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर मेन गैस है, और ये H2 वेपर जो है वो भी है, ओजोन ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका अर्थ ए बी सी ई जो ये गैसें दी गई है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है वो मेन उसमें कॉज जो रीजन है उसके अंदर ये गैस इन्वॉल्व रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए बी सी ई, ए बी सी ई, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी, इसका अपन को मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें अपन देखें स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो दे रखा है, यहां पर H2O H+ यहां अटैक किया, जैसे आना H+ जैसे यहां अटैक करेगा तो ये जो बनेगा यहां पर कंपाउंड H+ अटैक करने के बाद ये आ गया डबल बॉन्ड एंड OH2+, ये H+ ऑक्सीजन पर अटैक करने से ये ऑक्सोनियम आयन बना, गुड लिविंग ग्रुप हुआ। अब यहां से ये H2 हटेगा और यहां से -H2O निकलने के बाद ये जो कंपाउंड आ गया अपने पास इंटरमीडिएट जो बना ये रह गया CH2+। अब ये जो CH2+
जो बना है कार्बोकेटाइन, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हुए इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए CH3 की प्लस आई इफेक्ट के कारण, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये बना एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ पे ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये बना यहाँ पर ये 6 मेंबर की रिंग आ गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई, ये 6 मेंबर रिंग आ गई और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन रह गया और ये CH3 एंड ये डबल बॉन्ड। और अब यहाँ पर जो H2 रिलीज हुआ था वो H2O वापस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट हो गया अपने पास ये Me एंड ये आ गया OH। तो इट मींस सबसे पहले ये H+ ऑक्सीजन पे अटैक किया, गुड लिविंग ग्रुप बना ऑक्सोनियम आयन, यहाँ से ऑक्सोनियम आयन गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना और ये बना कार्बोकेटाइन ही एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हुए इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा इस CH3 की प्लस आई के कारण, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये कार्बोकेटाइन बना। अब जो H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। इट मीन्स इसका जो आपको मेजर फाइनल प्रोडक्ट वो ये है, ये आ गया सेकेंड, इस करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। यस नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जेशन, यहाँ पर ये कन्वर्जेशन दे रखा है, अपन इन फोर ऑप्शन में से इसको कन्वर्जेशन के लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। तो आपन देखें इसमें कीटोन को एजिट रखा हुआ है, एमाइड एजिट रखा हुआ है, CN को एजिट रखा हुआ है, केवल एसिड ग्रुप को रिड्यूस कराया गया है CH2H एल्कोहल के अंदर। इट मीन्स इनमें से ऐसा कौन सा गुड रिडक्ट मोस्ट सुटेबल रिडक्टेंट है जो एसिड के लिए एसिड को एल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल है और जबकि इनको कंपेरेटिव अन्य जो ग्रुप दे रखे हैं इनको इजीली रिड्यूस नहीं करे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है B2S6। B2S6 इज मोस्ट सेलेक्टिव रिडक्टेंट फॉर एसिड, एसिड को एल्कोहल में रिडक्शन करने के लिए मोस्ट सेलेक्टिव रिडक्टेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। तो इसके फॉर्मेट से सबसे बेस्ट जो रिडक्टेंट होगा वो ये आएगा, देन करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। यस नेक्स्ट, यस इंटीजर में है, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो ड्रग्स है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखने, तो सबसे पहले आपको पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। पेनिसिलिन की अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक पेनिसिलिन का जनरल फॉर्मूला जो है वो अपन ड्रॉ करें यहां पर, ये पेनिसिलिन का एक जनरल फॉर्मूला जो है वो ड्रॉ किया आपने, इसके अंदर नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर अपने जानते हैं यहां पर भी हाइड्रोजन, तो ही इसमें यहां पर भी हाइड्रोजन, देन कायरल सेंटर एक तो ये हो गया 1, दूसरा कायरल सेंटर ये हो गया 2, तीसरा कायरल सेंटर ये हो गया 3। अब यहां पर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर इसमें भी है लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर ये नाइट्रोजन जो है वो कायरल सेंटर नहीं होगा, ये नाइट्रोजन भी एमाइड का, ये भी नाइट्रोजन एमाइड का है तो लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये कायरल सेंटर कंसिडर नहीं होगा। और तो इसका अर्थ है इसके अंदर ये 3 जो है कायरल सेंटर कंसिडर हुए, इट मींस नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन विल बी 3, देन करेक्ट आंसर विल बी 3। यस थैंक्स स्टूडेंट्स।